हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कुकिंग में। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का तड़का। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार आप देखेंगे तो आप जल्दी घर पे बना पाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, कुकर में 2 स्पून तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी मूँग की दाल। मूंग की दाल 2 कटोरी डालेंगे कुकर के अंदर। अब इसको हल्की आंच में इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते रहेंगे, जब ये दाल फ्राई हो जाए, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसको चम्मच। दाल नीचे चिपकनी नहीं चाहिए। दाल जब फ्राई हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी बड़ी कटोरी पानी। देखिए मैंने दाल अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने पानी ऐड कर दिया है, लगभग 2 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हल्की आँच पर पकाते रहेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, अब गैस को मीडियम करेंगे और इस कुकर में 2 सीटी मारेंगे। 2 सीटी में ये आराम से पक जाएगा। फिर मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए, इसमें तेल गर्म हो गया, हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा जब चटक जाए इसमें डालेंगे हम 3 लाल मिर्च। इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम लोग। फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर कटे हुए। इसको अच्छी तरह तेल में भून लेंगे। तेल में जब अच्छी तरह से भुन जाइए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, 2 हरी मिर्च कटी हुई। इसको भी तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया 1/2 चम्मच और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच। नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार और इसको अच्छी तरह से मिला के फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे दाल अपनी। अब दाल के साथ इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। देखो दाल हमारी तैयार हो गई है बेहतरीन स्वाद के लिए। अब इसको गरम गरम सर्व करेंगे। बहुत ही आसानी विधि है, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो बैचलर हैं। अब इसको धनिया पत्ते के साथ गार्निश करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका।